हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं हीरो इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में। यह है ओपिमा E5। इसके बारे में आज हम आपको फुल डिटेल्स देने वाले हैं, जो कि हम काफ़ी दिन से इसको चला रहे हैं, और इसके बारे में आपको हर एक चीज़ के बारे में बताएंगे। बने रहिए हमारे इस वीडियो में। बाइक कुछ आगे से इस प्रकार का दिखता है, आप देख पा रहे हैं, जो कि यहाँ पर LED लाइट का उपयोग हुआ है, जो कि रात को बहुत ही अच्छा उजाला करता है। आपको हम दिखा रहे हैं पूरे इसके बारे में, और आगे का कुछ यहाँ पर इस प्रकार का है। यह है ऑफर डिफर लाइट के बारे लाइट का बटन, और यह हॉर्न है। सभी गाड़ियों में हॉर्न इस तरफ से दबता है, और यहाँ पर हमको इस पार से दबाना पड़ता है। यहाँ पर थोड़ा उल्टा टाइप का दिया है, और यह है इंडिकेटर के लिए, जो कि हमारा इंडिकेटर कुछ इस टाइप का दिखता है यहाँ पर। और लाइट कुछ इस टाइप का दिखता है। यह ऑफर डिफर करने पे यह है ऑफर डिफर करने का। ये लग रहा है कंपनी बहुत लोकल सामान दिया है, काम नहीं कर रहा है, कभी कभी हो जा रहा है, कभी नहीं हो रहा है, बटन ख़राब हो गया होगा। और यहाँ पर लाइट बंद चालू करने के लिए दिया है, और नीचे है डाटा कॉल फंसा के आप मोबाइल चार्ज कर सकते हो, जो कि फास्ट चार्जिंग बिल्कुल नहीं है। और कुछ इस टाइप का यहाँ पर दिखता है डिस्प्ले पर, जो कि 50 V लिखा है यहाँ पर, जो कि चार्ज होने पर और बढ़ता है। और ये है इसका पीछे का चक्का, जो कि यहाँ पर मोटर इसके अंदर फिट है। ये चक्का पूरा मोटर ही है, ये मोटर है पूरा, ये मोटर है। और ये पीछे का इंडिकेटर, जो कि कंपनी ने बहुत बेकार यहाँ पर प्लास्टिक का उपयोग किया है, जो कि पीला हो गया है। आपको दिखा रहा हूँ मैं, जैसे कि ये पूरा पीला हो गया है, इसका कलर निकल गया है, जो कि 3 से 4 महीना हुआ है इस बाइक को लिए हुए हमको। और कंपनी के तरफ से चाबी में रिमोट भी आया है, जो कि बंद करने पर ऐसा आवाज़ करता है। और ये है इसका रिमोट, जो कि अलार्म बजने लगता है। ये हमारे रिमोट, और इसका चार्जर हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ इस प्रकार का है, जो कि लगभग 1.5 किलो का है, 1 किलो 500 ग्राम का। और चार्जर में कुछ इस प्रकार का लिखा हुआ है, जो कि हमें इंग्लिश नहीं आता है, कि हम आपको पढ़ के बताएंगे, खुद ही पढ़ लीजिए। ये लिथियम बैटरी चार्जर है, जो कि सीट के नीचे यहाँ पर लगता है। ये चार्जिंग पिन है, जो कि हमें ऐसा यहाँ पर लगाएंगे तो बैटरी चार्ज होने लग जाता है। और ये है दूसरे चार्जर के लिए, जो कि ये चार्जर अवेलेबल नहीं है हमारे पास, ये भी चार्जिंग के लिए ही है। और बैटरी यहाँ पर लगा है नीचे यहाँ पर, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से दिख जाता है। ये है डब्बा बैटरी का, ये बैटरी अंदर है, जो कि लिथियम बैटरी लगा है। और ये ट्यूबलेस टायर है, ये कंपनी की तरफ से ट्यूबलेस टायर लग के आया है। और इसको हम आपको चला के दिखाएंगे ऊंचे वाले रास्ते पे। ये नदी है हमारा, ये नदी के नीचे हम ले जाके इसको नदी के ऊपर आपको चढ़ान पे चढ़ा के दिखाएंगे कि चलेगा कि नहीं चढ़ेगा। बने रही हमारे इस वीडियो में। और इसका हम सीट खोल के दिखा रहे हैं, सीट के नीचे कुछ इस प्रकार का है, यहाँ से सीट खुलता है। ये हमारा सी यहाँ पर टूल्स है, कंपनी की तरफ से ये टूल्स मिला है। और ये यहाँ पर कुछ फंक्शन लगा है, और ये बटन भी लगा है। किस चीज़ का बटन है इसके बारे में तो हमको नॉलेज नहीं है। ये है हमारा यहाँ पर, ये पूरे कंट्रोल के लिए कुछ लगा होगा, जो कि अपने को मालूम नहीं है।
और ये है बैटरी, जो कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा बैटरी है जो कि कुछ इस प्रकार का है। ये ज़्यादा वेट नहीं है, लगभग 7-8 किलो का होगा, जो कि बहुत ही सेफ तरीका से पैक करके रखा हुआ है, जो कि हम इसमें आराम से चार्जर रख सकते हैं इसके अंदर। और हम इसको बंद करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ऊपर से वहाँ कितना ऊंचाई तक आराम से चढ़ा जा सकता है बाइक लेके, जो कि आपको हम अब दिखाने वाले हैं। ये हमारा नदी है, नदी के ऊपर हम चढ़ान पर चढ़ा के दिखाएंगे कि बाइक चढ़ पाता है या नहीं चढ़ पाता है। पहले सिंगल बैठ के चढ़ाएंगे, उसके बाद डबल बैठ के चढ़ाएंगे। बने रहिए हमारे इस वीडियो में। दोस्तों जैसे कि रास्ता की बहुत ही ख़राब है, ये देख ही सकते हो आप। देखिए दोस्तों, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई, आराम से चली गई इलेक्ट्रिक बाइक। जैसे कि आप देख सकते हो रास्ता बहुत ही ख़राब है। अब देखिए दोस्तों, आपको चढ़ा के दिखाएंगे हम इस ख़राब रास्ते पर। ये देखिए दोस्तों, अब हम इलेक्ट्रिक बाइक को इस ख़राब रास्ते पर चलाकर आपको चढ़ाकर दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है, आराम से एकदम चढ़ जा रही है ये बाइक। ये देखिए दोस्तों, इतनी ख़राब रास्ते पर ये इतनी आसानी से चढ़ गई ये बाइक। ये देखिए दोस्तों, कितनी आसानी से चल जा रही है वो बाइक, लग ही नहीं रही है कि इलेक्ट्रिक बाइक है। देखिए दोस्तों, इस नाले से हम आपको इलेक्ट्रिक बाइक निकाल कर दिखाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ये कितना ख़राब नाला है। देखिए दोस्तों, इसमें से अब हम आपको इलेक्ट्रिक बाइक निकाल कर दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, चक्का घूमेगा तो दिखाना ऐसा। ये देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक बाइक देखिए दोस्तों, जो कि दम नहीं लगा पा रही है क्योंकि ये, देखिए दोस्तों, फिर भी इतनी आसानी से निकल गई। दोस्तों आप लोगों ने देखा, आपको हम बेकार से बेकार रास्ता और अच्छे से अच्छा रास्ते में हम आपको बिल्कुल चला के बाइक दिखा रहे हैं, जो कि यहाँ पर छोटा सा नाला टाइप का था, उसके अंदर बाइक यहाँ पर बिल्कुल लोड नहीं ले पा रहा था। बराबर रोड के लिए बिल्कुल एक नंबर चॉइस है बाइक का, और अगर आपको ख़राब रास्ता है तो ख़राब रास्ते के लिए उतना ही परफेक्ट नहीं है। अगर बराबर रास्ता रहा, उबड़ खाबड़ रास्ता, तो भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी चक्का जगह पे एक आध बार खुद राउंड तो मार लिया बाइक, लेकिन कीचड़ के अंदर से निकाल नहीं पाया। कीचड़ भी नहीं था, बस वहाँ पर मिट्टी गीला था, जगह पर घूम भी नहीं पा रहा था, थोड़ा सा धक्का देना पड़ा मुझे, तो बाइक बिल्कुल आसानी से निकल गया। बाकी बाइक बहुत अच्छा है, एक बार चार्ज करने पे लगभग 45 से 50 किलोमीटर आराम से चलता है, और 4 घंटा लगभग टाइम लेता है बैटरी चार्ज होने में। और बाइक आपके लिए बहुत ही मस्त चॉइस है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कीजिए। और आपको हम इसको बराबर रोड पक्के सड़क पर दिखा के बैठ के चला के दिखाएंगे। डबल सीट रहेगा हमारे पास, 1 क्विंटल 20 किलो का वजन, और इसका टॉप स्पीड उस समय आपको बताएंगे कितना चल गया, चल रहा है और कितना चल रहा है। बने रहिए हमारी इस वीडियो में, मिलते हैं बाइक चलाते हुए। बाइक चलना स्टार्ट हो गया, बिल्कुल ही पता नहीं चलता है। अगर चाबी चालू कर दिया कोई, अगर स्कूटर कोई दे दिया, तो बिल्कुल ही बाइक भागने लगता है। जिस रास्ते पर हम लोग चला रहे हैं, रास्ता बिल्कुल बेकार है। बैटरी वाला बाइक है, फिर भी पता नहीं चल रहा है हमको। डबल सीट बैठे हैं हम, रास्ता बहुत ही खराब है। बाइक 2 सीट बैठा कर कहीं से भी चढ़ा सकती है। छोटा मोटा अगर चढ़ान आता भी है तो इसको पता नहीं लगता है, बिल्कुल ही आराम से चढ़ा सकता है चढ़ान को। और इसका टॉप स्पीड लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड पकड़ लेता है।
और इसका बैटरी चार्ज होने में कुल 4 घंटा लगता है। का बहुत लगता है, गाड़ी बहुत पटकता है क्योंकि बैटरी वाला बाइक है इसलिए, और सिंगल सिंगल के लिए बहुत ही अच्छा है, डबल में थोड़ा सा बहक जाता है बाइक, अगर अच्छा वजन वाला अगर बैठ जाए तो ये बाइक पूरा बहकने लगता है। बाकी बाइक बहुत ही अच्छा है, इसे पेट्रोल डालने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक है। इसे हम पानी में भी चला सकते हैं, पानी में भी कोई तकलीफ नहीं होता है क्योंकि इसके मोटर का दोनों साइड में रबड़ का कवर लगा रहता है जिससे कि पानी ना जाए मोटर के अंदर। इसे हम बिल्कुल ये चढ़ा दें, बिल्कुल बाइक को पता नहीं लगता है, उसमें भी आपका ये बिल्कुल बाइक एकदम स्मूथली चलता है, 25 किलोमीटर चल रहा है। रोड बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल चढ़ान है, उसके बाद ये बाइक का स्पीड बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। अभी हमारा 32 की स्पीड में चल रहा है बाइक, और रास्ता तो आप लोग को दिख ही रहा है कि बिल्कुल ख़राब रास्ता है। पर बाइक भगाने लायक जगह नहीं है इसलिए बाइक को हम भगा नहीं रहे, नहीं तो गाड़ी गिर जाएगा, बहुत ऊबर खाबर रास्ता। बिल्कुल हमारा फुल स्कूलेटर है और आप देख रहे हैं बिल्कुल कैसे अगर आप रफ्तार पकड़ रहा है बाइक। टॉप स्पीड 40 किलोमीटर तक जाता है, जो कि हम लोग दो लोग बैठे हैं इसके वजह से यहाँ पर 40 तक नहीं पहुँच पा रहे, लेकिन 40 तक आराम से चला जाता है अगर सिंगल रहे तो। ये बस पहुँचने ही वाला है, लग रहा है पहुँच जाएगा। बहुत प्यारे प्यारे बकरी के बच्चे हैं यहाँ पर, अब की बार फिर से एक बार कोशिश करते हैं कि पहुँच जाए। अभी तक हमारा 40 का स्पीड पहुंच नहीं पाया है, पूरा फुल स्केलेटर है, बिल्कुल स्कूटी की तरह ही चलता है, इसमें कोई भी अलग कंडा बिल्कुल नहीं है।